उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं सर्वेक्षण और मानचित्र कला के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित हूँ। हम भारत सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना के 225 वर्ष पूरे होने की खुशी में समारोह कर रहे हैं। भारत सर्वेक्षण संस्थान न केवल अपने देश का सबसे पुराना सरकारी विभाग है, बल्कि अपने प्रकार की संसार भर की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसलिए इस अवसर पर मुझे अपने यहाँ होने पर बहुत हर्ष हो रहा है। 225 की अवधि बहुत लंबा समय है, जिसके विविध पक्षों पर इस अद्वितीय संगठन के अटल चिन्ह अंकित हैं। भारत के सर्वेक्षण इतिहास के साथ साथ बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान विकास और औद्योगिक क्रांति के उत्तरार्ध काल का इतिहास। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत का सर्वेक्षण संस्थान इन उतार चढ़ाव के बावजूद जीवंत रहा है और आज यह बहुविषयक संगठन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे गणित शास्त्र, भौतिकी, सिविल इंजीनियरी, उपकरण विन्यास, फोटोग्राफी, भूकंप विज्ञान, मुद्रण और कंप्यूटर विज्ञान, दूरवर्ती बोध आदि सम्मिलित हैं। जिस परिशुद्धता से वैज्ञानिक माप लेने होते हैं, वे इस संगठन के काम को बहुत परिश्रम साध्य और सायास बना देते हैं। मुझे संतोष है कि भारत सर्वेक्षण संस्थान ने अपने नियत कार्य के उत्तरदायित्व को समुचित रूप से निभाया है और अपनी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। एक दूसरे नए तकनीक का संबंध पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का नाम करते समय साहुल सूत्र के विक्षेपित होने से था। इस प्रकार की सफलताओं ने भारत सर्वेक्षण में एक वैज्ञानिक साहस की प्रेरणा को क्रियाशील बना दिया और मुझे विश्वास है कि यह प्रेरणा आज भी संगठन में उसी प्रकार व्याप्त है। हवाई जहाज के आविष्कार और फोटो कला की उन्नति ने सर्वेक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आकाशी फोटोग्राफी ने भूमि पर सर्वेक्षण को हटाना घटाना आरंभ कर दिया है। हालांकि कुछ समय तक कैमरों से लिए चित्रों में प्रतिपादित सर्वेक्षण ज्ञान की पुष्टि के लिए भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। इस संदर्भ में यह खेद का विषय है कि राज्यों के कर विभाग भूमि कर सर्वेक्षण के संबंध में हुई तकनीकी प्रगति के साथ कदम व कदम नहीं चल रहे। भूकर सर्वेक्षण आज भी शताब्दी के शुरू में प्रयोग होने वाली तकनीकी को अपनाए हुए है। स्वतंत्रता के बाद से भारत सर्वेक्षण संस्थान को देश के विकास की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व दिया गया। इस समय शायद ही कोई ऐसी मुख्य योजना होगी जिस पर सर्वेक्षण संस्थान की मोहर न लगी हो। देश की अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश की प्रगति के उद्देश्य से बड़ी संख्या में अलग अलग श्रेणियों के सर्वेक्षण हाथ में लिए गए। ये सर्वेक्षण विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हुए, जैसे सिंचाई, पनबिजली, खादान, इस्पात और रेलवे आदि। वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी अंतर संबंधों की तेज लहर है। हिमालय की हिम सरिताओं का अध्ययन, बांधों का संचलन, भूकंपी क्रियाएं अध्ययन कुछ उल्लेखनीय उपकरण हैं।
भोजन के आरंभ में पानी पीने से कमजोरी आती है और अंत में पीने से मोटापा। उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि भविष्य में भारतीय सर्वेक्षण को बहुत कुछ करना है। जितनी सफलता प्राप्त होती है उतनी ही अधिक उपलब्धियां शेष रह जाती हैं। कार्य की कुछ दिशाएं तो स्पष्ट हैं, किंतु देश में और विदेशों में तीव्र गति से बदलता आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य और विश्वव्यापी एकता के प्रयत्नों को दृष्टि में रखते हुए इस संगठन को अपनी प्राथमिकताओं के विषय में और विचार विमर्श करना होगा और उन्हें पुनः परिभाषित करना होगा। 2 शताब्दियों से अधिक की लंबी अवधि में इस संगठन ने ज्ञान और अनुभवों का बड़ा भंडार एकत्रित किया है। इस समय इस संगठन को ज्ञान अर्जित करने और उसे अपने परिसीमित लक्ष्यों तक प्रयुक्त करने तक नहीं रुकना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षणों को अब अपना ज्ञान और विशेषज्ञता का परस्पर आदान प्रदान करना चाहिए, भारत में भी और विदेशों से भी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह प्रयत्न किया जा सकता है। एक क्षेत्र भू कर के सर्वेक्षण का है, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया था। ऐसे काम को पूरा करने के लिए अति विशाल प्रयत्न की आवश्यकता है और यह अकेले संगठन के बस का नहीं है। अन्य संगठनों से, चाहे वह निजी क्षेत्र के हों या सरकारी, और प्रत्येक के जो एक या कई विशेषज्ञ तकनीकों में निपुणता रखते हों, आदान प्रदान आवश्यक है। ज्ञान के आदान प्रदान का दूसरा क्षेत्र भौगोलिक सूचना व्यवस्था को विकसित करना हो सकता है। भौगोलिक सूचना व्यवस्था के लिए किसी भी ऐसे उद्योग और संगठन की अनिवार्य आवश्यकता है जो सामान्य योजना निर्धारण और पर्यावरण संबंधी प्रबंध में गंभीरता से रुचि लेते हों। इसका महत्व कई प्रकार के प्रयोजनों में बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए शहरों, स्वचालित कार मार्ग निर्देशनों और गली सड़कों के नक्शों के उपयोगी मानचित्रण में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अवसरों का इतना विस्तार है कि समाज से संबंधित उन्नति का कोई स्थान अछूता नहीं रह सकता। आज हमारे देश में भारतीय सर्वेक्षण ही केवल एक ऐसा संगठन है जो इस क्षेत्र में आवश्यक निपुणता रखता है। इस विशेष निपुणता को गैर सरकारी माध्यमों तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि हम एक विकासोन्मुख बाजार के लाभों को भुना सकें। मैं एक अन्य क्षेत्र की ओर सर्वेक्षण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जहां पता लगाएं कि कौन सी नई योजनाएं हैं, जहां स्वयं अकेले या संसार के अन्य देशों की सामान संस्थाओं के साथ मिलकर क्रियाशील हो सकते हैं। यह अध्ययन आंकिक मानचित्रण, भौगोलिक सूचना, सेवा विकास या सामान्य सर्वेक्षण और परामर्श सेवा से संबंधित योजनाओं की खोज कर सकते हैं। इसके लिए एक कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। मैं इस प्रकार के नए सोच को संगठन में सक्रिय होता देखना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे विकासशील देशों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उनका विकास होगा, सब प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता भी बहुत बढ़ेगी। यह पिछले 200 वर्ष में विकसित सर्वेक्षण नहीं होगा। बीवाई जब पैरों में फटती है तब दर्द तो होता ही है, उसमें जलन कटन बहुत होती है, चलने फिरने में व्यक्ति लाचार महसूस करता है, पैरों में कुछ पहन भी नहीं पाता है,
ऐसी हालत में बीवाई से उत्पन्न पीड़ा और जलन का एहसास तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पैरों में बीवाई फटी हो, जिसने उसे भोगा हो। जिसके पैरों में बीवाई फटी ही नहीं, वह उस व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव और अनुमान भला कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वही व्यक्ति दूसरों की पीड़ा का अनुमान लगा सकता है जिसने स्वयं पीड़ा को भोगा हो। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा ही लगा रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह अवश्यंभावी और निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अमर होता है, उसकी आत्मा अमर होती है, वह मनुष्य की भांति जीता या मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति, उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, कोई भी बाहरी शक्ति उस पर अंगुली नहीं उठा सकती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन गृहकला उसी आंतरिक शक्ति को छीण और विश्रृंखलित करती है और तब राष्ट्र का पतन होता है। किंतु यह पतन पतन ही है, राष्ट्र की मौत या नाश नहीं। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती है। जिस तरह मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती, पर उसी तरह व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। कवि प्रसाद ने जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीति के छल छंद की धूल उड़ती है। सूक्ति के द्वारा आधुनिक राजनीति में खिलाड़ियों की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि वीरता का वातावरण समाप्त हो जाने पर राजनीतिक चालबाजियों का युग आ जाता है। राजनीति की चालें चलने वाले छल प्रपंच रचकर विपक्षी की आंखों में धूल झोंकने का, उसे धोखे से नष्ट करने का उपक्रम करते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता अक्षुण बनाए रख सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक है। यदि एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राष्ट्र के नागरिकों का सम्मान नहीं करते तो दूसरे राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को उद्यत हो जाएंगे।